हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन जीएस में। और आज हम देखने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का 11th वीडियो, जिसमें कि हम देखेंगे डिटरमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और ये वीडियो मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है, मेरा नाम है अभिनव राज। इससे पहले के 10 वीडियोज में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को बेसिक से शुरू करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले 10 वीडियोज़ को देख लें, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। और उन वीडियोज़ का लिंक यहाँ राइट कॉर्नर में आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। ओके, तो यहाँ देखिए, इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम दिखाएंगे एम्प्लॉयमेंट को, यानी रोजगार, और वाई एक्सिस पर हम दिखाएंगे एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स, यानी कि हमें क्या उम्मीद है अगर एम्प्लॉयमेंट में चेंजिंग आती है तो क्या कुछ उसके असर पड़ेंगे, क्या हम उम्मीद किए हैं, इसको हम वाई एक्सिस पर देखेंगे। उसी तरह से ये जो कर्व है, आपको याद आ रहा होगा कि ये डिमांड का कर्व है और ये वाला जो कर्व है ये सप्लाई का कर्व है। ADF का मतलब है एवरेज डिमांड फंक्शन, और ASF का मतलब है एवरेज सप्लाई फंक्शन। मोटे तौर पर समझें तो ये डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं यहाँ समझना है। तो अब ध्यान दीजिए इस ग्राफ पर, यहाँ क्या है कि इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये एक्स एक्सिस है जिस पर एम्प्लॉयमेंट, और वाई एक्सिस पर एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स। अब देखिए, ये वाली जो कर्व लाइन थी डिमांड की फंक्शन और ये सप्लाई की, जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं वो पॉइंट है ई, यानी कि इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है आपको तो याद होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वो जो पॉइंट जहाँ पर कि डिमांड बराबर हो सप्लाई के। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना था कि ये वही पॉइंट है जहाँ पर कि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाता है, यानी कि जितने के सारे लोग हैं किसी सोसाइटी में या किसी नेशन में, सारे लोग रोजगार वाले हो गए। लेकिन जब किन्स आते हैं तो किन्स का कहना था कि नहीं, ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन जो है इस पॉइंट ई पर नहीं मिलती है, पॉइंट ई के आगे मिलती है। ऐसा किन्स का क्यों कहना था, क्योंकि आप फुल एम्प्लॉयमेंट का डिफिनीसन याद करिए और किस तरह से उस पॉइंट को, यानी कि क्लासिकल्स के थ्योरी को रिजेक्ट किए थे किन्स। उनका कहना था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एबल्ड भी होते हैं लेकिन वो काम करना नहीं चाहते हैं किसी भी कारणवश। जैसे कि आप लोग में से बहुत होंगे जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के कारण किसी और जॉब में नहीं इन्वॉल्व हैं, उनमें कैपेबिलिटी है, वो कार्य कर सकते हैं, एबल्ड भी हैं, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं। मतलब इस बात को आप को रिलेट करके देख सकते हैं। इसी तरह से, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो फुल एम्प्लॉयमेंट का लाइन होगा किन्स के हिसाब से, वो ई पॉइंट से आगे में होगा, यानी राइट हैंड साइड। ओके, तो क्यों ऐसा है, अब फिर से इस ग्राफ को हम देख के समझते हैं। जैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर कि सारे के सारे लोग रोजगार वाले नहीं होंगे, उस पॉइंट को कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जैसे इस जगह पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ डी लिखा हुआ है और यहाँ एस लिखा हुआ है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है और उसके मुकाबले सप्लाई कम है। यही तो हुआ अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अभी डिमांड को पूरा करने का हमारे पास स्कोप है, हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज अभी एम्प्लॉयड नहीं है, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन हुआ। और जब डिमांड कंपनसेट करे या डिमांड इक्वल हो जाए सप्लाई का, तो वो पॉइंट यहाँ ई है, इक्विलिब्रियम। और उससे भी हम आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि हमारा अब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और डिमांड कम हो जाएगा, यही होगा ना। सप्लाई ज़्यादा है
मतलब हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर दे रहे हैं और ख़रीदारी कम हो रही है, तो और भी ज़्यादा अब स्कोप नहीं होगा ऐसे सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का, और बढ़ा के कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो यहीं कहीं वो पॉइंट होगा जहाँ पर कि फुल एम्प्लॉयमेंट हम अचीव कर पाएंगे। ओके, अब देखिए ये कैसे हो पाता है पॉसिबल। जैसे कि ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट था यहाँ, और ये देखिए ADF है यानी एवरेज डिमांड फंक्शन, और ये है ADF डैश, यानी कि यहाँ से सब डिमांड को बढ़ा के यहाँ पहुँचा दिया गया, यानी उसमें ग्रोथ करा दी गई। और ये कैसे पॉसिबल है तो आप याद पाड़िए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बाई गवर्नमेंट, जैसे कि सरकार बहुत सारे योजना लगा सकती है, डैम बनाने का प्रोजेक्ट, रोड बनाने का प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री बैठा दे। अब इससे क्या होगा, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब ज़्यादा लोग जब एम्प्लॉयड होंगे तो फिर ज़्यादा लोगों को सैलरी मिल रही है, वो नए नए चीज़ों का डिमांड करेंगे। तो इस तरह से डिमांड को बढ़ाया गया गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट से। और हर बार जो एग्जाम्पल हम देते आए हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट की गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ई से उठ के और इक्विलिब्रियम यहाँ शिफ्ट हो गया ई डैश पर कहीं पर। अब यहाँ क्या हो रहा है, दोनों पॉइंट्स को आप देखेंगे ध्यान से तो ई पॉइंट से जो ई डैश का पॉइंट है कहीं ना कहीं ये राइट वार्ड शिफ्ट है। ओके, यानी कि ये वही पॉइंट है जहाँ पर कि हमको फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यानी ई पर नहीं ई डैश पर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और जो भी ये पॉइंट आउट करके दिखाया हुआ है, ये कलरफुल ये वाला पोर्शन, यही वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो एक बार सारे के सारे जो भी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं उनके फुल फॉर्म्स हम देखते हैं और फिर इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे। देखिए ये ADF हो गया, एवरेज डिमांड फंक्शन, यानी कि फंक्शन का जो ग्राफ है, और ADF डैश उसके बाद आता है, तो ये नया वाला जो फंक्शन हो जाएगा डिमांड का गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बाद। इसी तरह से ASF है, एवरेज सप्लाई का फंक्शन, E है इक्विलिब्रियम जहाँ पर डिमांड सप्लाई इक्वल होगा, और क्लासिकल्स के हिसाब से ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी। N1 यहाँ पर है जो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है, डिमांड ज़्यादा है और उस हिसाब से सप्लाई कम थी। N2 ये पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट जो कि किन्स का कहना था, यानी इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट से कहीं आगे, और N था फुल एम्प्लॉयमेंट क्लासिकल्स के हिसाब से। ये सारे चीज़ आप समझ गए होंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ सजेस्ट करना चाहिए आपको इसमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, या कुछ मेरे बताने में कमी रह जा रही है, या कोई आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक पर मैं बनाऊं आपके पसंद का, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। ओके, बाय।